subscribe my channel, press bell icon, like and share. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि डीजल पंप को स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। जैसा कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं डीजल इंजन है, हम इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे ये बात शेयर करेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले किन बातों का ख्याल रखा जाता है। ये रेडिएटर है, पंप को स्टार्ट करने से पहले हम रेडिएटर का जो पानी लेवल है वो चेक करेंगे कि इसका लेवल ठीक है या नहीं। अगर इसका लेवल कम होगा हम इसमें पानी डालेंगे। ये रेडिएटर का कैप है, हम इस कैप को खोलेंगे, खोल के पानी को चेक करेंगे। रेडिएटर का जो पानी का लेवल है वो कम है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमने रेडिएटर को पानी से फुल भर दिया है, भरने के बाद ये इसका कैप है, कैप को हम अच्छे तरीके से इसमें फिट करेंगे। रेडिएटर के बाद हम जो डीजल टैंक है वो चेक करेंगे कि डीजल टैंक के अंदर डीजल है या नहीं। ये इसका डीजल टैंक है, ये डीजल हम चेक करेंगे। ये इसका कैप हम इसको पुश करके रिमूव करेंगे। इसमें डीजल फुल है। इसके बाद हम बैटरी का पावर चेक करेंगे कि बैटरी में पावर कितना है। बैटरी में 12 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, कितने वोल्ट है। मल्टीमीटर की मदद से हम बैटरी का पावर चेक करेंगे। चलते हैं बैटरी की तरफ। ये हमारे पास मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर से हम बैटरी का पावर चेक करेंगे। हम एक टर्मिनल नेगेटिव पे लगाएंगे, एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव पे लगा के पावर को चेक करेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें 13 वोल्ट शो कर रहा है। बैटरी चेक करने के बाद हम इस इंजन का लुब्रिकेंट चेक करेंगे, इंजन का ऑयल लुब्रिकेंट चेक करेंगे। ऑयल लुब्रिकेंट चेक करने के लिए जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इसका एक नाब है, ये गेज है। लुब्रिकेंट चेक करने के लिए हम इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के हम इंजन का ऑयल का लेवल चेक करेंगे। ये देख रहे हैं इस गेज में दो मार्क, एक है मिनिमम मार्क, एक है मैक्सिमम मार्क। हम ऑयल को चेक करेंगे। ऑयल जो है वो किसी सूरत में मिनिमम लेवल से कम नहीं होना चाहिए और ना ही मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम के करीब करीब होना चाहिए। अब हम इसको साफ़ करेंगे, साफ़ करके दोबारा इसका जो लुब्रिकेंट लेवल है वो चेक करेंगे। साफ करने के बाद हम दोबारा इस होल में डीप करेंगे, डीप करके इसका दोबारा लुब्रिकेंट का लेवल चेक करेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसका लुब्रिकेंट का लेवल कम है, मिनिमम है। हम इसमें लुब्रिकेंट डालेंगे, फिलहाल ये वर्किंग करेगा, ये मिनिमम के करीब है, ये काम करेगा अभी। हाल लुब्रिकेंट चेक करने के बाद हम जो इसका मैन्युअली हैंड पंप है डीजल के लिए वो हम इसको पुश करेंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो दोबारा टैंक के अंदर रिटर्न चला जाए। हमने इसे पुश कर दिया, पुश करने के बाद अब हम जो है डीजल को स्टार्ट करके चेक करेंगे। चलते हैं डीजल पंप के कंट्रोल पैनल की तरफ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये इसका कंट्रोल पैनल है डीजल इंजन का, ये लिखा है इंजन पंप। ये इंजन पंप का स्विच को हम सिलेक्ट करके इंजन को स्टार्ट करेंगे और इंजन को कुछ टाइम के लिए रनिंग करेंगे। ये मैनुअल स्टार्ट है, हम इसे पुश करेंगे, जैसे हम इसको पुश करेंगे डीजल इंजन स्टार्ट होगा।
हमने डीजल को स्टार्ट करके चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह डीजल इंजन प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। इसके साथ ही हमारी जो आज की वीडियो है वो कंप्लीट है। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।